लोग आके चले गए, अगले दिन उसकी कोई तस्वीर नहीं छपेगी। अगले दिन का अखबार मैंने चेक किया, मैं जानता था ये बात की नहीं छपती, फिर मुझे लगा कि नहीं चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, अब शायद दुनिया बदल गई हो। वाकई नहीं था, एक फोटो तक नहीं। और उसमें दफ्तर है बाकायदा, पीटीआई का दफ्तर है, रेडियो का दफ्तर है, और एक आध अखबार का होगा ही। और मतलब वो एक ऐसी जगह है जहां से कोई पत्रकार हो जो लुटिन डेली वाला वो जाता ही होगा रोड लेके, उधर लेफ्ट राइट लेके, उसका नहीं है। ये हमारी तस्वीर है, और संख्या के लिहाज से तो उसमें है नहीं कोई, उस न तो कोई ट्राइबल कम्युनिटी से है, अब कुछ दलित आए हैं लेकिन कुछ कहने के लिए, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अंबेडकर जयंती आगरा में होती है, एक वहां भीम मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं, वो अखबार में नहीं छपता, लोकल अखबार में भी नहीं उसकी खबर छपती। तो हम क्या करते हैं, हम किसी को धकेल रहे हैं ना, ये हमारा काम है कि हम हर किसी का रिप्रेजेंटेशन करें। तो ये बुनियादी बात नहीं करके, अब आप सोचिए कि उस कम्युनिटी का जो होने वाला कोई व्यक्ति है वो निश्चित रूप से मुझसे अलग होगा, निश्चित रूप से उसका नजरिया खुद को देखने का, चाहे हम जितना ओपिनियन बनाते रहें ये देश है मेरा और वो स्वदेश का गाना से लेके और जागृति का गाना गाते रहें, है ना, इस इतने गाने खर्च करने के बाद, फिल्म फेयर अवार्ड लेने के बाद भी अगर ऐसा एलिनेशन एक कम्युनिटी में है, इतना पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आने के बाद भी सोशली, तो वो सोचिए कितना भयानक है। अगर आप लोग सेंसिटिव हैं, सोच के डर जाना चाहिए। और कई बार लगा कि हाँ ठीक है, उस लड़की के कंधे पर हाथ रख के मुझे भी लगा कि, मैंने कहा तुम्हारे सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जाते जाते मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तुम क्यों चाहती हो कवर करना। वो और छलक गई, तब कैमरा उसके चेहरे पे नहीं था, वो और छलक गई, रोने लगी, बोली कि मेरे हाथ में कुछ भी हूं, मुझे नहीं लगता कि अम्बेडकर नहीं होते तो मैं होती। और वो जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी, उसने जो बताया, फिर मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। तो खैर जो भी, इससे मैं शुरुआत, जैसे आपने तो कहा फ्यू वर्ड्स बोलने के लिए, लेकिन मैं जब प्रोफेसर कुमार ने कहा कि आना है तो मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ लिखने बोलने के लिए है नहीं और टाइम नहीं है, लेकिन कल कुछ लिखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझसे मेरे साथ बर्दाश्त करें, क्योंकि नया तो कुछ नहीं है लेकिन कहने का तरीका थोड़ा बदलने का, बदल के देखते हैं कि नया कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। और वैसे भी हम जिस दौर में हैं वो हम डेली बेसिस पे अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, आज नहाया है, पप्पू के साथ खाया है, तो ये जो सोशल मीडिया बना है वो दरअसल वो बायोग्राफी का एक प्लेटफॉर्म है, वो डेमोक्रेसी का नहीं, वो बायोग्राफी का, सब पे बायोग्राफी लिख रहा है, आई मेट हिम, आई एम गोइंग देयर, आई एम सिटिंग देयर, ही टोल्ड मी, उसमें मी माँ सब चलता रहता है, यहाँ गए कश्मीर का है, फोटो यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, अचानक 3 साल पहले का फोटो लगा दिया, तो मैंने पूछा तुम कब गई थी यार कश्मीर, कब गई, 3 साल पहले गए, तुम जाते भी नहीं थे मुझे, मैंने कहा अच्छा वो ठीक है, तो ये पुराना चैप्टर निकाल के डाल दिया है। तो ये एक चल रहा है एक सोसाइटी, उससे हम खुश हैं कि बहुत डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं, लेकिन उसी डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म में जाके देखिए कि मार्जिनल कम्युनिटी के लिए किस तरह की वॉइसेस हैं, दूसरे तरह के मार्जिनल कम्युनिटी के लिए जो प्रोफेशनल जिसे हम कहते हैं फार्मर्स के लिए कितने वॉइसेस हैं, उसी पे जाके देख सकते हैं, नहीं है, बहुत कम है, कुछ लोग लिख रहे हैं अपने दीवानेपन में। तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया की व्यथा जो है उसकी आत्मकथा है, तो मैं सोचा कि अपनी व्यथा कैसे कहूँ, तो एक कविता लिखी है, और ये कविता इज रिटन बाय मी, बट हाउ कम आई हैव नॉट ट्वीटेड येट। खुली हुई खिड़कियां हैं, बस दिमाग बंद हैं, आंखें भभक रही हैं और जुबान लहक रही है, एक टीवी है और शोर भरी शांति है, वो जो सबके बीच में बैठा है, तूफान पैदा करता है सवालों से, नावों को हिला डुला देता है, 3D होती हमारी कल्पनाओं में रोमांच पैदा करता है, जनमत को डूबने के लिए अकेला छोड़ वो नावों की डोर से खेलता है, कुछ को डुबा देता है, कुछ को बचा लेता है, ताकि डरा सके हमारी कल्पनाओं को डूबने की दहशत के बीच, डरे हुए लोगों में खींच पैदा हो और खुजलाहट भी पैदा हो, हैशटैग और ट्वीट भी, एंकर माई बाप है, एंकर सरकार है, सरकारों का एंकर है या नावों का, इस सवाल का मतलब नहीं,
क्योंकि सरकारों को सवाल पसंद नहीं है। टीवी की खिड़कियों पर कबूतर चहक रहे हैं, सुना है मुर्दा लोग भी जागरूक हो रहे हैं। टीवी की खिड़कियों पर कबूतर चहक रहे हैं, सुना है मुर्दा लोग भी जागरूक हो रहे हैं। प्राइम टाइम या रात के अंधेरों में काल कपाल महाकंकाल चिल्लाने वालों ने अपना भभूत बदल लिया है। बहुत जर्नलिज्म कर रहे हैं आजकल से। प्राइम टाइम या रात के अंधेरों में काल कपाल महाकंकाल चिल्लाने वालों ने अपना भभूत बदल लिया है। जवाबदेही की वर्चुअल रियलिटी का दौर है ये। कोई मोबाइल ऐप बनाया जाए किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए, किसी एंकर को बुलाया जाए सारे जवाबों के लिए। WWF का मैच चल रहा है, XYZ बुलाए जा रहे हैं, ABCDEFGH उगलवाए जा रहे हैं। अल्फाबेट की बेल्ट कमर में कस के बांध लीजिए, जनमत की फ्लाइट कोहरा छटते ही उड़ने वाली है। ये हमारी कविता है, चलिए इसी से। और सोचा कि पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता, पर जैसे भी हो बात करने का एक तरीका है, जरूरी नहीं कि कुछ ग्रेट ही लिखें आप। जब फार्स फैक्ट बन जाए तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और हर तरह का मूवमेंट जो है उसका रिप्लेसमेंट इवेंट से हो रहा है, हर तरह के अवेयरनेस का रिप्लेसमेंट एड कैंपेन से हो रहा है। ये हम सब होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने पेशे के एंकरों की ईमानदारी का बहुत कायल हूँ, क्योंकि वो इस उत्सव को ठीक से मना रहे हैं। वो प्रवक्ताओं से सवाल पूछते पूछते योगी बन जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बकने लगते हैं, उनके साथ साथ प्रवक्ता भी ट्रांस में चले जाते हैं। और जनमत की एक्सटेसी बनाते हैं, ऐसी एक्सटेसी में वो खो जाते हैं, ऐसी तैसी मतलब डेमोक्रेसी की। जनरलों की रातें डेमोक्रेसी की फंतासी रचती हैं, सब अपनी अपनी फंतासियां रच रहे हैं। कहीं कोई तथ्य नहीं है, धारणा की तलवार से धारणाएं काटी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। और वास्तविकता का हम एक ऐसा वर्चुअल संसार बना रहे हैं जैसे हम